दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने ही YouTube चैनल DB न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को हुआ कोरोना, अस्पताल में भर्ती। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में, जुड़े रहिएगा DB न्यूज के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का जो आइकन है उसको भी दबा दीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को शनिवार की शाम को मुंबई के नानाभट्टी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभिषेक को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दोस्तों बता दें कि अभिषेक बच्चन ने शनिवार की रात में अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज मेरा और पिताजी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दोनों को बहुत हल्के लक्षण थे और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हमारे परिवार और स्टाफ के भी टेस्ट हो गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और परेशान न हो। और दोस्तों बता दें कि जैसे ही अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, इसके बाद उनके फैंस और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उनकी सलामती की दुआ करने लगे। परेश रावल, रितेश देशमुख, मनोज वाजपेयी, लारा दत्ता, परिणीति चोपड़ा सहित तमाम सेलिब्रिटीज ने उनके जल्द ठीक हो जाने की कामना कर रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि अमिताभ बच्चन से पहले कई बॉलीवुड सेलेब्स इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सबसे पहले कनिका कपूर कोरोना वायरस हुआ था और इसके बाद तो किरण कुमार, करीम मोरानी और उनकी दोनों बेटियां जोआ और शाजा मेरानी सहित तमाम सेलेब्स कोविड-19 पाए गए थे। तो दोस्तों कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।